वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 7, वॉक थ्रू फॉर पोकेमोन सन एंड मून डेमो वर्जन। तो अब तक हमने अपना सफ़र शुरू किया था एश ग्रेनिंजा के साथ, और हमारा कैरेक्टर जो है इसमें सन, वो अब तक पहुंच चुका है पोकेमोन सेंटर, और यहां से हम जाएंगे कुकवी के ट्रायल में। तो कुकवी का ट्रायल है 10 कैरेट हिल पर, जो ये बूढ़ा हमें लेके जाता है, और हमें आगे जाकर पता चलता है कि कुकवी का प्रोफेसर कुकवी का जो ट्रायल है वो एक ड्रैगन पोकेमोन टाइप ट्रायल है, और वो एक गुफा के अंदर है जिसे हमें ढूंढना होगा ड्रैगन पोकेमोन्स। तो आज के एपिसोड में हम ये सब करेंगे, तो आप तैयार रहिए देखने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो हम आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए। All the content I used in my video, including images, pictures and clips, are taken from Google and I don't own any of them. They belongs to their respective owners and copyrights. तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड यहाँ से। हमने खत्म किया था यहाँ पर पिछले एपिसोड में, तो यहाँ पर से हम जाएंगे इस केव के अंदर, जहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रायल क्या है। तो आप तैयार है ना? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ प्रोफेसर कुकवी से मिलकर आगे ट्रायल बढ़ाने के लिए। ये गुफा बहुत ही शांत है, और ओहो कुकवी के साथ एक प्रोफेसर भी है। हे सन, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट करते रहती। ओहो, क्या हम ट्रायल शुरू कर सकती? तुम्हारे सामने आएंगे 4 पोकेमोन जो 10 कैरेट हिल में कहीं छुपे होती। उनके नाम है जन्मा ओ और हकमा ओ। ओके, तो उन्हें तुम्हें 4 पोकेमोन के फोटोग्राफ्स लेने होती, समझ गए? ये लो तुम्हारे लिए पोकेमोन फाइंडर, पोके फाइंडर। तो हमें एक पोके फाइंडर मिल चुका है। ये पोके फाइंडर होती, इससे तुम पिक्चर्स ले सकती जहाँ भी जाओ। कहीं भी आपको पोकेमोन मिलती तो तुम्हें पोकेमोन के फोटोज लेना मांगती। ये मेरा पिकाचू बहुत ही स्ट्रांग होती, जैसे तुम्हारा ग्रेनिंजा होती वैसे ही। तुम्हारे ट्रायल में ये भी हेल्प करती। ओहो, तो पिकाचू हमें ज्वाइन कर रहा है हमारे ग्रुप में, तो हमारे साथ अब पिकाचू भी होगा। तो जाके फाइंड करो तुम जंगमा ओ को पहले, और वो यहीं कहीं है छुपा हुआ, मतलब वो कहीं इधर ही छुपा हुआ होती। तो हमारा ट्रायल शुरू हो चुका है, चलिए देखते हैं ट्रायल में आगे क्या है। तो हमारे सामने यहीं पर, हाँ यहाँ पे ए आ रहा है यहाँ पे दबाने से हमें। ओके, पोके फाइंडर बता रहा है कि एक पोकेमोन है, तो देखते हैं कौन सा पोकेमोन है। ओहो, रोटॉम पोकेडेक्स। ओहो, एक सामने एक पोकेमोन खड़ा है, तो अगर हम सर्कल पैड दबाएंगे तो कैमरा इधर उधर होगा, और नेक्स्ट अगर हम ए बटन दबाएंगे तो हम फोटो खींच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो ओहो, एक फोटो आ चुका है। एग्जैक्ट अगर इसके हम सूरत पे फोटो लेंगे तो शायद हम इसे, यस, बहुत ही अच्छे से फोटो खींचा गया है। ओहो, जन्मो हम पर अटैक कर रहा है, तो हम पहली लड़ाई हमारे ट्रायल का आज शुरू कर रहे हैं। आज ये पहली लड़ाई है, और जंगमाओ
से हमारी लड़ाई हो रही है, तो जाओ ग्रेनिंजा। ओहो, हमारे पास पिकाचू भी है अब तो हम तो हार ही नहीं सकते। पर मुझे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हराने के लिए हमें जंग में सिर्फ एक ड्रैगन टाइप है, तो हम एरियल एस करके उसे हरा सकते हैं, जितना हो सके उसका हेल्थ कम कर सकते हैं। और ये ड्रैगन टाइप है तो इसके ऊपर डार्क टाइप अटैक्स का ज़्यादा काम नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हमारा डिफेंस फेल हो चुका है, मतलब डिफेंस कम हो चुका है, अब उसका अटैक हमारे ऊपर घातक होगा। माय गॉड, तो हम अटैक करते हैं नाइट स्लैश से। या अब नाइट स्लैश इसके ऊपर लगेगा, मगर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये ड्रैगन टाइप के मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम जीत जाएंगे क्योंकि ये आखिरी अटैक था। तो हम जब पहली बार किसी पोकेमॉन से लड़ते हैं तो हमें इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव नहीं बताता है, जब हम उसे दूसरी बार लड़ते हैं तो ओहो बताता है। तो क्योंकि हमसे कह रहा है कि ओ तुम ये ड्रैगन पोकेमॉन का फोटो बहुत अच्छे से पकड़ती, मैंने तो कहना भूल गई थी कि वो अटैक भी करती जब तुम उसे पकड़ती, तो अब जब तुम जान गई हो तो पिकाचू तुमको हेल्प करती, तो तुम हमेशा ओके रहती, और तीन तुम अगर फोटो खींच लेती तो तुम ट्रायल जीत जाती। ओ माय गॉड। तो मैं कह रहा था कि हम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो हम बहुत ही जल्द ये ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर और एक होल दिखाया हमें, तो यहाँ पर और एक पोकेमॉन हो सकता है, केव के अंदर हो, उसके अंदर छुपा है पोकेमॉन। हाँ, और ये तो भाग रहा है, एक जगह रुक जाए यार, करेक्ट पोजीशन में नहीं आ रहा है कैमरा। फिर ये कब आएगा, चला गया, अब ये नहीं आएगा क्या? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओ ओ ओ ओहो, एक ही, ओके, एक ही फोटो में इसने हम पर अटैक कर दिया। लास्ट टाइम दो फोटो खींचे थे हमने, इस बार शायद मैं कह रहा था कि इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव बताएगा हम दूसरे बार लड़ने से कोई पोकेमॉन के ऊपर। तो हम जब पहली बार लड़े जंग ओ से तो वो हमारे पोकेडेक्स में वो लोड हो चुका है, अब जब हम सेकेंड टाइम उससे लड़ रहे हैं तो हमें बताएगा इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। हाँ, जैसा मैंने कहा था, देखते हैं, अभी बता रहा है कि एरियल एस और नाइट स्लैश इफेक्टिव है जबकि वाटर श्रिकन नॉट इफेक्टिव, सो नॉट वेरी इफेक्टिव। ओके, तो हम एक ही बार में इसे हराने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका और डिफेंस फेल हो, क्योंकि वो ऐसा कुछ अटैक कर रहा है जिससे मेरा ग्रेनिंजा का डिफेंस कम हो जा रहा है, जिससे अटैक्स बहुत ही घातक लगेंगे। तो दो फोटोग्राफ्स हो चुके हैं मेरे आज के, ये तो कुछ नई आवाज़ थी, शायद इसके विकसित की आवाज़ है। तो हमने ये होल तो पार कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो वो नहीं मिलेगा, कहीं और ही होगा वो, देखते हैं आगे बढ़कर। यहाँ पर एक है एक होल, और शायद इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये इसका विकसित है, तो हकमा ओ इसका नाम है। तो यहाँ पर एक पोकेमॉन है, देखते हैं, पोके फाइंडर से। तो रोकटॉम पोकेडेक्स का एक हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है इस पोके फाइंडर के ज़रिए। तो ये रोकटॉम पोकेडेक्स अब हमारे साथ होगा, और शायद ओरिजिनल गेम में भी हमें पोकेमॉन रोकटॉम पोके फाइंडर जो है वो हमें प्रोफेसर कुकुई ही देंगे। तो एक ही फ़ोटो में मैंने परफेक्ट फ़ोटो खींचा है, इसलिए ये हैकुमो ओ जो वाइल्ड है अपीयर हो चुका है, बहुत ही जंगली है ये, बहुत ही ख़तरनाक भी है, बहुत ही ख़तरनाक। ओ माय गॉड, इसके हाथ पर आर्मर्स देखो, ये तो बहुत ही, मतलब ऐसे लग रहा है जंग का कोई सिपाही हो,
और इसके दुम पे भी एक बड़ा सा गदा लगा हुआ है। और इसके सिर पे दिल, ओ माय गॉड, स्केरी फेस, बहुत ही स्केरी, खतरनाक अटैक है इससे। ओ माय गॉड, मेरा स्पीड गिर जाएगा बहुत ही तेज़ी से, मेरा स्पीड बहुत ही कम हो चुका है, तो मैं स्पीड और कम नहीं करना चाहता। मैं चुनूंगा पिकाचू को अब, और देखूंगा कि पिकाचू कितना अच्छा लड़ता है इससे। तो ये फिर से स्केरी फेस कर रहा है हम पर। पिकाचू से हम पहली बार लड़ रहे हैं, इसलिए कौन सा अटैक इफेक्टिव है, कौन सा अटैक नॉन इफेक्टिव है नहीं बता रहा है हमें। ओह नो, ये ना इफेक्टिव नहीं है ये अटैक। एक्चुअली हकुमाओं का टाइपिंग क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। ड्रैगन प्लस समथिंग, ड्रैगन प्लस फाइटिंग और स्टील, आई डोंट नो। आयरन टेल काम करेगा क्या इस पर, देखते हैं। काम किया, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था मगर फिर भी हम जीत गए। तो ये हो गया हमारे तीन फोटोग्राफ्स। तो हमने तीन पोकेमोन के साथ लड़ चुके हैं, तो हमारा आखिरी पोकेमोन होगा यहाँ पर। ओहो, ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लड़ेंगे आखिरी पोकेमोन से, जो होगा हमारा आखिरी पोकेमोन इस ट्रायल का, और हम ये ट्रायल जीत जाएंगे इससे लड़ने के बाद। तो हम देखते हैं ये पोकेमोन कैसा है। मुझे तो लगता है ये होगा टोटम पोकेमोन, जो हमारे साथ बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लड़ेगा। तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो टू बी कंटिन्यूड, तो हमें देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कई और वीडियोस के लिए, और विज़िट कीजिए हमारा bmindia.com for more gadget reviews. Thank you. Thank you for watching this video and making up to the end. Do like, share and subscribe if you haven't before for more upcoming adventures.